नमस्कार, फोर साइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के ऐसे बाजीगर की जिसकी कलाइयां मैच का रुख बदल देती थी। समझ गए ना आप कौन है वो? जी हां, सही पहचाना, भारतीय पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। जब अजहर पिच पर खेलने उतरते थे तो उनकी कलाइयां मैच का रुख बदल देती थी। लेग स्लाइड में उनके फ्लिक शॉट हो या फिर साइड पर उनके कट, सब कुछ कलाइयां कर देती थी। मौका पड़े तो स्लॉग शॉट भी जड़ते थे। आज बात भले ही एमएस धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की होती हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो ये शॉट पहले ही जड़ चुके थे। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की। अजहर कमाल के फील्डर थे। बिना देखे विकेट पर थ्रो फेंकने के अंदाज के एक समय में क्रिकेटर फैंस दीवाने थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम ऐसा रिकॉर्ड आज भी कायम है जो आज तक कोई क्रिकेटर नहीं कर सका। दरअसल अजहरुद्दीन एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने लगातार तीन टेस्ट मैचों में तीन शतक जड़े। अजहर के ये तीनों शतक इंग्लैंड के खिलाफ 31 दिसंबर 1984 से 31 जनवरी 1985 के खिलाफ टेस्ट मैचों में आए थे। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपनी डेब्यू पारी में अजहर ने 110 रन बनाए। दूसरी पारी में उनको बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। अजहर की जिंदगी पर फिल्म अजहर भी 2016 में आई, जिसमें उनका किरदार इमरान हाशमी ने निभाया था। और मैच फिक्सिंग में उनकी कथित संलिप्तता के कारण बीसीसीआई ने उनको आजीवन प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे साल 2000 में उनका क्रिकेट करियर अचानक समाप्त हो गया। उन्होंने 2009 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति की पारी शुरू की थी। साल 2012 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील के बाद अजहर से आजीवन प्रतिबंध हटा दिया था। साल 2019 में अजहर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने थे। फिक्सिंग में कथित तौर पर नाम आने की वजह से अजहरुद्दीन 100 टेस्ट खेलने के ऐतिहासिक कारनामे से पीछे रह गए थे। उन्होंने कुल 99 टेस्ट मैचों में 22 शतक और 21 अर्धशतक की बदौलत 45.03 के एवरेज से 6215 रन बनाए। वहीं उनका सर्वाधिक स्कोर भी 199 रहा। अजहर ने टेस्ट मैचों में कुल 105 कैच लपके। अजहर ने 334 वनडे मैच खेले, इसमें उन्होंने 36.92 के एवरेज से 7 शतक 58 अर्धशतक की बदौलत 9378 रन बनाए। उन्होंने 156 कैच भी पकड़े। तो अजहर के नाम ना जाने और कितने रिकॉर्ड हैं, जो दिखाता है कि अजहर कलाई के जादूगर थे और महान फील्डर और बल्लेबाज भी थे। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।